दोस्तों, कन्याकुमारी भारत की धरती का अंतिम छोर है। यहाँ पर अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी का पानी एक दूसरे से आलिंगन करता है। आपको बताना चाहेंगे, यह वह स्थान है जहाँ स्वामी विवेकानंद ने योग साधना की थी। इसे केप किमोरिन के नाम से भी जाना जाता है। नमस्कार दोस्तों, टेंटेक में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में भारत की खूबसूरत जगह कन्याकुमारी के बारे में जानने वाले। तब तक आप हमारी इस वीडियो में बने रहिए। दोस्तों, कन्याकुमारी दक्षिण भारत के महान शासकों चोर, चेर, पांड्य के अधीन रहा है। यहाँ के स्मारकों पर इन शासकों की छाप स्पष्ट दिखाई देती है। आपको बताना चाहेंगे, इस जगह का नाम कन्याकुमारी पड़ने के पीछे पौराणिक कथा प्रचलित है। कहा जाता कि भगवान शिव ने असुर बानासुर को एक वरदान दिया था कि कुंवारी कन्या के अलावा किसी के हाथों में उसका वध नहीं होगा। प्राचीन काल में भारत पर शासन करने वाले राजा भरत के 8 पुत्री और एक पुत्र था। राजा भरत ने अपना साम्राज्य 9 बराबर हिस्सों में बांटकर अपनी संतानों को दे दिया था और दक्षिण का हिस्सा उसकी पुत्री कुमारी को मिला और कुमारी शक्ति देवी का अवतार भी माना जाता था। इसके चलते हुए उसने दक्षिण भारत में अपने हिस्से पर शासन किया था और उसकी इच्छा थी कि भगवान शिव से अपना विवाह करे। इसके लिए वो निरंतर भगवान शिव की पूजा करती थी। इसके बाद में भगवान शिव विवाह के लिए प्रसन्न हो गए, लेकिन नारायण मुनि चाहते थे कि बानासुर का कुमारी कन्या के हाथों से वध हो जाए। इस कारण से भगवान शिव और कुमारी के बीच में विवाह नहीं हो पाया था। इसी के चलते हुए बानासुर को कुमारी के बारे में जब पता चला, उसने कुमारी के समक्ष शादी करने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन कुमारी ने कहा कि यदि वो उसे युद्ध में हरा देगा तो उसी से ही विवाह कर लेगी। इसके बाद में दोनों के बीच में युद्ध हुआ और बानासुर युद्ध में मारा गया। दोस्तों, इसी के चलते हुए कुमारी की याद में दक्षिण भारत के इस स्थान को कन्याकुमारी के नाम से ही जाना जाता है। इसके अलावा कन्याकुमारी के इतिहास में एक रहस्य छुपा हुआ है। कहा जाता है शिव और कुमारी के विवाह की तैयारी का सामान आगे चलकर रंग बिरंगी रेत में ही परिवर्तित हो गया था। दोस्तों, कन्याकुमारी में घूमने के कई प्रमुख स्थान हैं, जिसमें से विवेकानंद स्मारक, कन्याकुमारी मंदिर, कुमदन स्वामी मंदिर और गांधी स्मारक अन्य। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे, कन्याकुमारी में खरीदारी का यहाँ रहस्य छुपा हुआ। पर्यटन अक्सर यहाँ से विभिन्न रंगों के रेत के पैकेट खरीदते हैं और यहाँ से सीप और शंख के अलावा परवाली सेल बीटी के टुकड़े की खरीदारी की जा सकती है। इसके अलावा साथ ही केरल शैली की नारियल जटाएं और लकड़ी की हैंडीक्राफ्ट भी खरीद सकते हैं। दोस्तों, आपको भारत की खूबसूरत जगह कन्याकुमारी के बारे में कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके लिए हमेशा ऐसे वीडियो बना के लेके आ सके। चलो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।